इस वक्त की बड़ी खबर नूह मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका शहर से प्राप्त हो रही है। हम आपको बता दें, माननीय पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में अपराध पर कार्य करते हुए शहर फिरोजपुर झिरका चौक की पुलिस सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार की टीम द्वारा जुआ खेलते 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, मुखबिर खास से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शहर के गडंदर स्थित हरिजन मोहल्ले में दबिश देकर 3 जुआरियों को दबोचकर उनके पास से 17,720 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने तीनों जुआरियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस सिटी चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार को सूचना मिली कि शहर के गढ़ अंदर स्थित हरिजन मोहल्ले में ताश के पत्तों के साथ कुछ युवक जुआ खेल रहे हैं। उन्होंने तुरंत दबिश देकर मौके में ऐसे जुआ खेलते हुए साकिर पुत्र हुसैन निवासी घाटा शमशाबाद, सुरेश पुत्र रोहतास निवासी भिवाड़ी व शौकीन पुत्र नवाब निवासी वार्ड नंबर 15 फिरोजपुर झिरका को दबोच लिया। पुलिस चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि शहर के गढ़ अंदर स्थित हरिजन मोहल्ले में ताश के पत्तों के साथ जुआ खेलते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार करके उनके पास से 17,720 रुपए बरामद किए हैं। तीनों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हम आपको बता दें कि फिरोजपुर झिरका शहर चौकी पुलिस द्वारा जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं 3 जुआरियों को पुलिस द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर तत्काल दबोच कर उनसे 17,720 रुपए की नकद राशि बरामद की है। पुलिस की यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। हम आपको बता दें, जब से चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने कार्यभार संभाला है, तो फिरोजपुर झिरका शहर में चोरी व अन्य छीना छपटी व जुआ की वारदातों में काफी लगाम लगी है। बड़ी कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर झिरका शहर चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार की टीम ने 3 जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते दबोचा है, जिनसे 17,720 रुपए की नगद राशि बरामद की है। पत्रकारों से खास बातचीत के दौरान शहर चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि माननीय पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। शहर अंतर्गत अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अगर किसी को भी अपराध व अपराधी के बारे में सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्यवाही की जा सके।